एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो सेफ्टी गाइडलाइंस और डूज और डोंट्स जो हैं फायर एंड सेफ्टी के, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो आपने देखा होगा, सुना होगा, इस तरीके के सिंबल्स बने रहते हैं कहीं भी आप जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं या किसी भी अपार्टमेंट में या मल्टी में जाते हैं, तो वहाँ इस तरीके के साइंस बने होते हैं। ज़्यादातर सिनेमा हॉल्स और मॉल्स में ये देखने को मिलते हैं और आपके वर्क प्लेस पर भी इस तरीके के साइन रहते हैं। ठीक है, तो इनका मतलब ये है, ये आपको अवेयर करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी आग लग जाए इनके साथ जहाँ भी हैं और फायर जो है लगना शुरू हो रही है तो आप क्या करें, तो इसलिए ये आपके चारों तरफ लगे रहते हैं ताकि आप घबराएं ना, उसको टैकल करने की कोशिश करें, इस तरीके से काम करें, है ना। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, प्रेस द नियरेस्ट फायर अलार्म बटन। तो सबसे पहले आपको अलार्म जो है उसे इंडिकेट करना है, मतलब अलार्म का जो बटन है उसे प्रेस करना है ताकि वो अलार्म जो है वो नॉइज़ करे सभी जगह, सब अलर्ट हो जाए। फायर ब्रिगेड को बुलाना है, बिल्डिंग को छोड़ देना है, आपको लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है, सीढ़ियों से जाना है और आपको रिपोर्ट करना है, असेंबली पॉइंट पे पहुंचना है। ठीक है, और कोशिश करें कि सारे इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करें। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री होती है, कोई भी वर्क प्लेस होता है, उनका एक असेंबली पॉइंट फिक्स रहता है कि अगर कोई भी फायर अलार्म बजता है या कोई भी अलर्ट आता है तो सारे के सारे कहाँ इकट्ठे होते हैं, असेंबली पॉइंट पे। असेंबली पॉइंट पे इकट्ठे होने से क्या होता है, एक साथ लोग जब एक जगह पहुंच जाते हैं तो जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करके हम डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए जब हम फायर ट्रेनिंग देते हैं तो वहाँ के लोगों को इतना तो पता चल ही जाता है कि अगर आग लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, और बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज़ मतलब हमें अटेंशन देना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। जैसे कि जो आपके जो भी इलेक्ट्रिक आउटलेट्स हैं, जो भी जो सॉकेट्स हैं, अगर वो यूज़ में नहीं है तो उनको सील कर देना चाहिए, वो यूज़ में नहीं है तो कभी भी प्लग जो है वो उसमें कनेक्ट करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी प्लग सॉकेट्स के साथ कनेक्ट होता है तो उसमें पावर सप्लाई हो रही होती है। ठीक है, कोशिश करें कि जो भी डैमेज्ड वायर हैं, जो भी हैं, उनको वेल मेंटेन करके रखें, टेपिंग करें, सील करें, सब कुछ ये इस तरीके से करके रखें। ठीक है, किसी भी अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वेट हैंड से ना टच करें, हो क्योंकि जब भी आपके हाथ गीले होते हैं आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, कोई भी अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं, प्लग अनप्लग कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, तो जब भी आप गीले हाथ हो तो आप उसे ना छुएं। ठीक है, और देखिए जैसे कि जो भी कोई आपका, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल वायर है कोई भी और नीचे पानी पड़ा हुआ है, तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट ना हो, ऐसे कुछ ना करें कि आसपास उसके पानी आ जाए जिसकी वजह से करंट लग सके। ठीक है, ये देखिए वॉट का साइन दिखा रहा है आपको, हाई वोल्ट का, तो इस टाइम पे ऐसी चीज़ें ओवरलोडेड ना हो, कोशिश करें आपका जो भी वोल्ट की सॉरी आपका जो भी सॉकेट है वो कभी भी ओवरलोडेड ना हो, आपका मेन स्विच जो है, आपके जो मेन पावर सप्लाई जहाँ से हो रही है वो ओवरलोडेड ना हो, उतना ही उस पर लोड बेयर करे जितना वो रेसिस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर ओवरलोडेड हो जाता है तो इसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है, मतलब शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। इस तरीके से कुछ ये भी हैं, जैसे साउंड द अलार्म, ये देखिए ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी रूम में फंस गए हैं और आपके कपड़ों पर आग लगना शुरू हो गई है, या आप बाहर निकले और कपड़ों पर आग लग गई है, तो आप नीचे ज़मीन में रोल आउट होने लगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें जहाँ भी नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा रहता है वहाँ स्मोक ना करें, क्योंकि हो सकता है वो हजारीय सिचुएशन हो, बहुत ज़्यादा हजार जो वहाँ पर, इस वजह से मना करके रखा है। ठीक है, आग लगती है तो कोशिश करें सबसे पहले बाहर निकलें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स का ध्यान रखें, कभी भी कैंडल्स यूज़ ना करें। ठीक है, और लिफ्ट यूज़ ना करें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको फायर लग रही है, अगर उस टाइम पे आग लगना शुरू हो रही है तो उस पर आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, आप ऐसी चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये आज मैंने डूज और डोंट्स बताए हैं कुछ सेफ्टी के, फायर के, और ऐसे बहुत सारी सिंबल्स जो आप देखते रहते हैं मॉल्स वगैरह में अपने आसपास, तो इनका यूज़ आप किस लिए कर सकते हैं। देखिए एग्जिट वे बना रहता है, वो भी इसलिए कि जब आप घबराएं ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है जब भी आप कहीं आग देखते हैं तो आप घबराएं ना, उसे
शांति से टैकल करें, हैंडल करें, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आपको बस उसके तरीके पता होने चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कौन सा एक्सटिंग्विशर किस पे लगेगा, क्या करना है, कैसे धीरे धीरे स्टेप्स लेने। इस तरीके से अगर आप घबराएंगे तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो आज ये मैंने इसके बारे में आपको समझाया। सो थैंक यू।